नमस्कार, मैं प्रतीक्षा वर्मा। इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज़ सारा लाइव टीवी। तो चलिए रुक करते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों की ओर। खबर है अयोध्या से। विधानसभा चुनाव में सुरक्षा कर्मियों को ले जाने के लिए परिवहन निगम अयोध्या डिपो के 38 बसों को भेजा गया। शेष बची 80 बसों को उनके रूट पर सामान्य रूप से चलाया जा रहा है। इससे परिवहन व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। वहीं परिवहन निगम अयोध्या के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महेश कुमार ने बताया कि विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए परिवहन निगम अयोध्या डिपो की 38 बसों को लगाया गया। शेष बची 80 बसों को यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के लिए लगाई गई, जिससे यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। जिन मार्गों पर यात्री अधिक हों उनको प्राथमिकता देते हुए बसें उपलब्ध कराई जा रही और बसों के आवागमन को बढ़ा दिया गया है। वहीं कोरोना को देखते हुए सभी बसों को पूरी तरह सैनिटाइज किया गया है। चालक परिचालक को भी आदेश दिया गया है कि यात्रियों को कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए यात्रा कराए। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए सतीश यादव की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव 2022 के विभिन्न चरणों में प्रयुक्त हुई अयोध्या डिपो की वाहनें प्रथम चरण के लिए 38 बसें इस डिपो से विभिन्न फोर्सों को लेकर निकल चुकी हैं। शेष 80 बसें यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ पर संचालित हो रही हैं। जिन मार्गों पर यात्री अधिक है उनको प्राथमिकता के आधार पर बसें उपलब्ध कराई जा रही हैं। बसों के फेरे बढ़ा दिए गए हैं ताकि जनमानस का इसको पूरा लाभ मिल सके, यात्रियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। इसी हेतु प्रत्येक मार्ग पर समय समय पर बस संचालित की जा रही है। साथ ही COVID-19 को दृष्टि रखते हुए बसों को अच्छी तरह से सैनिटाइज कराया जा रहा है और चालक परिचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि यात्रियों से मृद व्यवहार करें, उनसे अच्छा व्यवहार करें और उनको भी यात्रियों को भी COVID-19 के नियमों का पालन करने हेतु निर्देश किया गया है। नाम सर महेश कुमार, सहायक क्षेत्र।